विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ की ओर से इंदिरा कॉलोनी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूत करने तथा ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे बदसुलूकी को मद्देनजर रखते हुए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के संस्थापक ने आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र 28 से संगठन की विधायक सीट पर इलेक्शन लड़ने तथा उसको जीत दिलाने की बात कही। साथ ही संस्थापक सुभाष चंद्र दीक्षित ने बताया कि वे समाज के हर व्यक्ति के लिए हर समय तत्पर खड़े हैं। वे समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार या बुराई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि मेरा जीवन हमेशा जनता की सेवा में लगा रहेगा और मैं जानता हूं कि सारा जीवन जनता की सेवा में लगे ताकि जनता का प्यार उन्हें मिल सके। इस मौके पर महेश चंद्र पाठक, हरिओम दीक्षित, सुनील शुक्ला, गीता शर्मा, आरती शुक्ला, हर्ष शर्मा, संजीव शर्मा, हर्षित कौशिक आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ कोई समूह चल रहा है, कोई हमारा संघ चल रहा है, इस संघ के चलाने के लिए हर 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 हम फिर से मैं तैयार हूँ और आप लोग भी तैयार हो जाओगे कि एकता का प्रोग्राम इसलिए रखा है कि हमारे जो ब्राह्मण समाज में हैं वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए बहुत सी जगह पे ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण आजकल है नहीं, ठीक, ब्राह्मण सोया हुआ है, इसको जगाया जाए। तो हमने इसीलिए प्रोग्राम रखा है और जहाँ तक है हम मतलब जो भी ब्राह्मण हमें मतलब मिलना चाहेंगे हम मिलेंगे उनसे सबसे और हम बात रखेंगे अपनी और हम ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पता है कि मतलब जो हमारे ब्राह्मण समाजों में आजकल इतने अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मण की आज तक कहीं पर सुनवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं हर जगह जैसे आम इंसानों की सुनवाई हो रही है उसी हिसाब से ब्राह्मण समाज की भी सुनवाई होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ब्राह्मण समाज के ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग भी जागरूक हो, जैसे अत्याचार अब तक हुए हैं वो अत्याचार मत सहो और हमें भी आगे मतलब बढ़ो और आगे बढ़ के हम भी दिखाते हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। क्या आगे बढ़ रहा है ऐसे हम लोग भी बढ़े, हर ब्राह्मण बढ़े। तो ये आठवीं मीटिंग है आपकी जी, ये हर मंत्री होगी या मैं ब्राह्मण विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ कुछ तो मतलब पद ग्रहण करा जाएगा और हमारे जिला सचिव आ रहे हैं, उनका स्वागत समारोह है। आज मीटिंग का ये उद्देश्य है हमारे ब्राह्मण समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और हमारे ब्राह्मण समाज हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इस समय हमारा देखो इस सरकार है, कोई भी सरकार हमारे ब्राह्मण समाज की कहीं भी सुनवाई नहीं है। जब इलेक्शन का दौर आता है जब ही हमारी सारी पार्टियों को ब्राह्मण समाज याद आता है, उससे पहले कोई भी पार्टी हमारे ब्राह्मण समाज को नहीं याद करती है। ब्राह्मण समाज के लिए क्या संदेश देना, समाज के लिए संदेश देना, सब लोग भाईचारे अपने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ एकजुट हो, जितने ब्राह्मण भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सब तो हमारे साथ कंधे कंधा मिला के चले और अपना दिखाएं कि हाँ हम भी हैं ब्राह्मण। कि आज मतलब पार्टी वाले कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण की जब याद आती है जब वो इलेक्शन आते हैं।